साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, साइबर क्राइम में एक बेसिक वेरिएंट है ऑनलाइन फ्रॉड्स या ट्रेडिंग फ्रॉड्स। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं और प्रॉफिट जो है प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिशियरी को। कुछ टाइम तक प्रॉफिट मिलता है तो वो कुछ नहीं करता है। जब प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है तो वो एक कंप्लेंट लॉन्च करता है विद द कंसर्न पुलिस कि इस आदमी ने हमको ठगा और पैसों का झांसा देकर हमें इंस्टिगेट किया इन्वेस्ट करने के लिए। हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें शुरू में तो प्रॉफिट आया और बाद में जो है प्रॉफिट नहीं आया और हमारे पैसों को जो है एम्बेसल कर लिया। तो क्या इस तरह के मामले साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड या ट्रेडिंग फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या ऐसे व्यक्तियों को आईपीसी या साइबर क्राइम के तहत प्रोसिक्यूट या उन्हें पनिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जिस कारण आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ बता रहा हूँ वो आपके राइट से जुड़ा हुआ है। जो कुछ बातें बताऊँगा वो मेरे अपने थॉट्स नहीं है, वो बातें एक जजमेंट पे जो है आधारित है। जब भी कोई जजमेंट प्रोनाउंस होता है साथियों, सबसे पहले फैक्ट्स उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद कॉन्टेंशंस क्या रेज हुए वो इंपॉर्टेंट है, फिर लॉ पॉइंट क्या है, फिर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि उस केस के फैक्ट आपके फैक्ट से मैच खाएँ, पर अगर सरकमस्टेंसेज में मैच खा गई और जो लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ है वो मैच खा गया तो डेफिनेटली उन साइटेशंस का फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना ताकि आप लोग घबराओ नहीं। भाई आज हर आदमी व्यापार कर रहा है, ट्रेडिंग्स कर रहा है, कमर्स कर रहा है और अथॉरिटीज़ आकर प्रेशर करती है कि भाई जो पैसा आपने लिया वो रिटर्न कर दो। भाई क्यों हम रिटर्न करें जब एज़ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम उस मनी को फॉरफिट भी कर सकते हैं, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और उस पर लीन भी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जब प्रोविजंस कानून में है और हम वॉलेटर नहीं है तो हमें क्रिमिनल या वॉलेटर का टैग क्यों दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो हम लड़ क्यों नहीं रहे? देखो, मुसीबतें लाख आएँ पर आपको लीगली जो है बात को समझना होगा। अगर नहीं समझोगे तो ये लोग जो है आपका शोषण करेंगे, आपको जो है ह्यूमिलेट करेंगे, अंतोकथवा जो है परेशान करेंगे। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम नोट करेंगे केस के क्रेडेंशियल और फैक्ट को, फिर हम नोट करेंगे कॉन्टेंशंस विद लीगल पोजिशन को, फिर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को। क्योंकि ऐसे एक मामले में हाई कोर्ट ने जो है एफआईआर तक को क्वेश्चन कर दिया, मतलब मामला चलने योग्य तक नहीं माना। तो वो मामला क्या था उसको भी जो है हम समझने वाले हैं खुल के। जो कॉपी और एक पेन लेकर बैठने की मैंने बात कही है वो इससे ज़रूरी है कि आपको जो बातें बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते हुए चलो। और अगर कोई समस्या आपको आती है या समस्या आपके किसी रिलेटिव को है तो ये वीडियो काफ़ी कारगर जो है उनके लिए हो जाएगा। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, इस मामले में जजमेंट जो है ये पारित किया है एमपी हाई कोर्ट ने। नोट कर लिए, जजमेंट जो है ये है 14 मार्च 2023 का और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या कोई छोटी मोटी पुलिस नहीं थी, खुद सीबीआई थी। और इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया और बेंच जो है ये जबलपुर क्षेत्र की है और 6 लोग जो हैं यहाँ पर हाईकोर्ट में मूव हुए थे। जो बेसिक पिटीशन इस तरह के मामलों में पेश होती है वो होती है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जिसका पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का। यहाँ पर प्रेयर क्या की गई थी कि 28/10/13 को, करीबन 10 साल पहले, एक एफआईआर दर्ज हुई एट पीएस साइबर क्राइम अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, मतलब बात की गई चीटिंग की। यहाँ पर 66A 66D ऑफ द ITA बात की गई कि कंप्यूटर सिस्टम से जो है छेड़ाखानी की गई है और फॉल्स पर्सनिफिकेशन करते हुए फॉल्स IDs जो है तैयार की गई है। चार्जशीट जब पेश हुई तो इन सेक्शंस के अलावा सेक्शन 409, सेक्शन 467, 468, 471, 474, 120 भी IPC भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। इसके अलावा अन्य सेक्शन IT Act के भी जो है यहाँ पर लगाए गए, जिसमें सेक्शन 71, 74 और 85 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर स्पेशल एक्ट्स भी यहाँ पर इम्पोज किए गए और फाइनली जो है अक्यूज को चार्जशीट किया गया। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे उसको समझना है कि यहाँ पर 6 अक्यूज जो है उसमें अक्यूज नंबर 6 जो है या पिटीशन नंबर 6 जो है उसका नाम है अमित सोनी। इसको एक ब्रैकेट अपन ले लेते हैं, याद रहेगा अपने को। इसका एक रियल ब्रदर है, उसका नाम है अनुराग सोनी और एक इसमें व्यक्ति है जो है कंप्लेनेंट, इसका नाम है लोकेश शर्मा। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए व्यक्ति? 3। इन्होंने कंपनी जो है इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था AU कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कब इस्टेब्लिश हुई? 2010 में और लेटर ऑन जो है ये चेंज हो गई मनी हाउस कॉमोडिटी में। ये कंपनी जो है ऑथराइज थी फॉर ट्रेडिंग बाय मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज और इस काम के लिए इसको इस कंपनी के द्वारा जो है ऑथराइज किया गया।
22/7/2011 को जो परिवादी है हेमंत सोनी, इस कंसर्न कंपनी में जो है एज ए डायरेक्टर जो है अपॉइंट हुआ। इनिशियली जो कंप्लेनेंट था कमलेश दवे, इस कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी था, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन करने के लिए ऑथराइज था। 2011 के बाद से जो एंटायर वर्क था मैनेजमेंट का, वो आ गया हेमंत सोनी के हाथ में। और कुछ पर्सनल रीज़न होने से या डिफ़िकल्टीज होने से अमित सोनी जो है इसने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम डायरेक्टरशिप इन फरवरी 2013। और उसी ईयर में अक्यूज नंबर 4 या विनय महाजन जो है इस कंपनी में बन गए डायरेक्टर। और जब चार्जशीट फाइल हुई तो अनुराग सोनी और विनय महाजन जो है ये इस कंपनी के डायरेक्टर थे। अनुराग सोनी तो था स्लीपिंग डायरेक्टर, जो कि कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जो कंसर्न कंप्लेनेंट है नवीन रघुवंशी, हेमंत सोनी और लोकेश शर्मा, ये भी इस कंपनी के डायरेक्टर थे। और जो अक्यूज्ड है अमजद, दूसरा है विजय, तीसरा है स्वप्निल, चौथा है राजेश, पांचवा है अमित, ये वर्किंग कर रहे थे इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द कंपनी एज अ वर्कर या एज अ मैनेजर, जो भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्यूज्ड जो कुणाल है और अक्यूज जो राकेश है, देवर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू द कंपनी। तो ये इस केस का बेसिक स्ट्रक्चर था कि कई लोग जो है इन्वॉल्व हुए, कुछ बन गए डायरेक्टर, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, और कुछ वर्कर बन गए, कुछ मैनेजर बन गए और कुछ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बन गए। 17/2013 जो कंसर्न परिवादी है विशालकर, लोकेश शर्मा, नवीन रघुवंशी, समित जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, राजेश सोनी, कमलेश दवे, हेमंत सोनी और चंद्रप्रकाश राठौर, इन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट जो है फाइल करी साइबर सेल में कि इनके साथ जो है ठगी हुई है और साइबर फ्रॉड हुआ है, जिस पर सेक्शन 420 IPC, सेक्शन 66A, 66D IT Act में जो है मुकदमा दर्ज हो गया अगेंस्ट द पिटिशनर एंड द अक्यूज पर्सन्स। और इनरेगुलरिटीज जो है इनकी पार्ट पर मिली और ADG साइबर ने रिकमेंड किया द ट्रांसफर ऑफ केस टू CID, मींस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और इन्वेस्टिगेशन जो है इनको हैंडओवर हो गई 4/11/2013 को, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये केस जो है ट्रांसफ़र करा CBI को, पर CBI इस केस को टेकअप कर पाती उससे पहले ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट कर दी। और सेक्शन 420, 409, 67, 68, 71, 474, 120B, 34 IPC, इसके अलावा सेक्शन इन्होंने लगा दी IT Act के और अदर स्पेशल एक्ट्स के, और मामला जो है पेश हुआ बिफोर कंसर्न CGM। इसके बाद क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है फाइल करी अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज पर्सन्स अंडर सेक्शन 420, 120B ऑफ द IPC एंड सेक्शन 66D ऑफ द IT Act, जिसमें अक्यूज नंबर 4 को जो है इन्वॉल्व किया गया इन धारों में और अक्यूज नंबर 7 जो था कंपनी इसको इन्वॉल्व किया गया सेक्शन 420 और 120B के अंदर। क्लियर हो गया। और मैटर जो था पेंडिंग था फॉर ट्रायल के लिए। अब जो कंप्लेंट फाइल हुई उसमें प्राइम एलिगेशंस क्या थे कि जो पिटिशनर है अमित सोनी और अनुराग सोनी, उन्होंने इंस्टिगेट करा परिवादियों को कि वो ट्रेड करें इन कॉमोडिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ MCX ऑन देयर बिहेस्ट। जो पिटिशनर था स्वप्निल, इसने डेमो दिया ऑन इस मोबाइल फ़ोन, और जिस बात पे ये एग्री हुआ कि अमित और अनुराग जो है चार्ज करेंगे 2 लाख फ्रॉम ऑल ऑफ देम, तो कुल 16 लाख रुपये जो है इकट्ठा किया और डिफरेंट जो है ID प्रोवाइड करी और पासवर्ड जो है प्रोवाइड किया गया। और इस पार्टनरशिप का यूज़ करते हुए कॉमोडिटी को एक्सेस किया गया, कुछ मात्रा में यहाँ प्रॉफिट भी जो है अर्न किया गया, बट लेटर ऑन जो प्रॉफिट देखने की कोशिश की गई तो प्रॉफिट जो है विजिबल नहीं हुआ। और जब इस मामले में इंक्वायरीज की गई तो अमित जो है वो अनॉयड हो गया और उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपका पैसा रिफंड नहीं करूँगा, और उसने पैसा जो है हड़प कर लिया। और उस समय ये ऑनर था MetaTrader 5 का भी, तो ये फैक्ट है, इससे अलग कुछ नहीं है। लेटर ऑन ये मालूम पड़ा कि जो लिंक प्रोवाइड कर रहा था अमित सोनी ने, वो लिंक किसी भी रूप में MCX ने प्रोवाइड नहीं करा था। जो ट्रांजेक्शन्स थे वो किसी भी रूप में MCX के बिहाफ में नहीं थे, और अमित और अनुराग एक फेक कॉमोडिटी को जो है ऑपरेट कर रहे थे, और इन लोगों ने इसका मिसयूज़ करते हुए करोड़ों रुपये का नुकसान जो है ये स्टेट को, राकेश को, कुणाल को, उमेश को, धीरज को, गोपाल को, अमजद को, सुजीत को, विजय को, माधवी को, विनय को, राकेश रूपावत को पहुँचाया, जो कि उनके साथ काम कर रहे थे इन डिफरेंट ऑफिसेस इन द पैन इंडिया। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो MCX ने इन्फॉर्म किया कि मनी हाउस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड वॉट्स इज रजिस्टर्ड मेंबर, ये तो बात फैक्ट है, और उसका मेंबरशिप ID भी है और उसको लेकर ऑथराइज भी किया गया, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इन्होंने टर्नओवर भी बनाया और प्रॉफिट भी जो है अर्न किया। और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सम पर्सन्स, कुछ लोग जो है इन्वॉल्व थे या इंडल्स थे इन द अनऑथोराइज फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग या डब्बा ट्रेडिंग में, जो कि आउटसाइड था फ्रॉम द पोर्टल ऑफ MCX।
और इसके लिए मेटा ट्रेड 5 सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल किया गया। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया और ओन किया गया था मेटा क्वेट्स के द्वारा और इसका प्राइस था करीब 45 लाख रुपये। इसका जब क्वेरी किया गया तो उसका रिप्लाई भी जो है किया गया और जो कंसर्न पर्सन थे मनोज चौधरी, इन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को कि इन्होंने मेटा ट्रेड 5 जो है किसी को भी सोल्ड आउट नहीं किया है इंडिया के अंदर। इसने फर्दर इन्फॉर्म ये किया कि जो कंपनी है उसने सोल्ड किया है MT5 टू विन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड दुबई और फॉर दिस परचेज राकेश बत्रा ने जो है इनसे कॉन्टेक्ट किया था, पर जो डायरेक्टर है विन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के वो है मनीष, और जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर कभी भी जो है परचेज नहीं करा और उन्होंने भी जो है इस बात को लेकर डिनाई करा और ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप या बिजनेस एक्वाइटेंस नहीं है अमित सोनी से। और ये पाया गया राकेश बत्रा जो है टेक्निकल एसोसिएट है मनी हाउस कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड का, और फाइनली पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट किया और सर्वर को जो है सीज कर लिया। यहाँ पर डाटा जो है इसका एनालिसिस हुआ जो कि स्टोर था सर्वर में बाय द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी, और ये स्पेसिफिक हुआ कि जो MT5 सॉफ्टवेयर था जिससे ट्रेड करते हुए 72 करोड़ का टर्नओवर जो है जनरेट किया गया। और यहाँ पर जो ऑथराइजेशन जो है MCX का यहाँ पर नहीं था और जो कंप्यूटर अथॉरिटी थी फॉर सच कमीशंस, इसके अलावा जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस थी उसने भी इस तरह के अनऑथराइज ट्रेड को जो है कन्फर्म कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से ये भी निकल के आया कि विद इंटेंट टू होस्ट MT5 अ डिक्टेटेड स्पेस ऑन सर्वर ऑफ साइबर, साथ ही इन्वेस्टिगेशन से क्या मालूम पड़ा कि विद इंटेंशन टू ऑपरेट MT5 एक स्पेस जो है क्रिएट किया गया ऑन द सर्वर ऑफ द कंसर्न कंपनी जिसका नाम था साइबर फ्यूचरिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिस कारण ये 23,000 रुपये पर मंथ की लीज पर जो है स्पेस जो है लिया गया था बाय स्काइटल सर्विसेज, जिस कारण 23,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लीज पर लिया गया था इस स्पेस को बाय स्काइटल सर्विसेज के द्वारा जो कि एक कंसर्न एसोसिएट है इन हैदराबाद, और इससे भी जो है पूछताछ की बट इट वॉज नॉट फाउंड ऑन द गिवन एड्रेस। जो रोहन राज रेड्डी था और अनूप कुमार था दे वर फाउंड डायरेक्टर्स ऑफ स्काइटल सर्विसेज बट दे ऑल्सो कुड नॉट बी ट्रेस, इनको भी जो है ट्रेस नहीं कर पाई कंसर्न CBI। इन्वेस्टिगेशन से फैक्ट रिवील हुआ कि स्काईटेल ने ये सर्वर जो है लिया था 29/7/13 को पर इसे क्लोज कर दिया 9/11/13 को, और इसका जो रेंट था ये जो प्रीमियम था इसको पे किया गया थ्रू ई पेमेंट मोड। क्लियर हो गया? तो इसमें कई लोग आ रहे हैं बट अपने को क्लियर होता जा रहा है कि ये सर्किट कैसे बन रहा है। जो कंसर्न CA था मनी हाउस कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड का, इसका नाम था सत्यनारायण अग्रवाल, इसने प्रोड्यूस करी बैलेंस शीट और आईडी रिटर्न ऑफ द कंपनी और शो करा प्रॉफिट इसने 1274904 और 1473000 जो कि अर्न किया गया बाय द कंपनी इन द ईयर ऑफ 2010-11, 11-12 and 12-13 रेस्पेक्टिवली, और करीबन 50 लाख रुपये इसने रेंट और एडवांसेस जो है पे किए। और इसके अलावा ये बात जो है 2013-14 की है जिस मामले में जब इंक्वायरी फर्दर रिवील हुई तो ये मालूम पड़ा कि 75 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के इनकम को देखते हुए। तो इन लोगों ने एक स्कैम किया और इसमें जो है फेक आइडेंटिटीज का जो है यूज़ किया और जिस कारण से इनको जो है चार्जशीट भी किया गया। साथ ही इस मामले में जो है चार्जशीट को जो है चैलेंज करा कंसर्न पिटीशन ने। उनका ग्राउंड क्या था कि ये एक रिवेंज है of the action taken by the petitioner Amit Soni against the complainant who were otherwise close relative or associate थे with him for the last many years, और जो 6 complainants हैं out of it ये भी जो है director थे उस concerned companies के, और इन लोगों ने भी जो है invest किया of the alleged amount for the forward trading। जो petitioner है Amit Soni और अनुराग सोनी ये real brothers हैं, और जो हेमंत सोनी और राजेश सोनी है ये इनकी फर्स्ट कजन्स है। जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज हुई है बिटवीन देम वर अपेरेंट एंड दिस रीजन वॉज अ सीट फॉर देयर एनिमिटी, ये एक इंपॉर्टेंट डिफेंस जो है क्रिएट किया गया। हालांकि ये मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी है बट यहाँ पर इसको पिटिशन में जो है रेज कर दिया गया। और जो एंटायर बिजनेस है कंपनी का वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज द्वारा जो है मैनेज किया जाता है जो कि अंडर थे ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर हेमंत सोनी वो हिमसेल्फ वॉज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लेटर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेथ डिपोज बाय अमित सोनी इन देम ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप। इन्होंने अपनी पावर्स का जो है मिसयूज शुरू कर दिया और हेमंत ने और राजेश ने जो है अकाउंट्स का मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया और इन्होंने अकाउंट्स में जो है फैब्रिकेशन भी स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद अमित को ये बात जब मालूम पड़ी तो उसमें ऑब्जेक्शन भी जो है रेज किए गए, पर इन लोगों ने अपनी गलती को जो है नहीं माना और अकाउंट्स को जो है सेटल नहीं करा जिस कारण सेवरल कंप्लेंट जो है इनके खिलाफ दी गई और फाइनली FIR भी जो है लॉन्च की गई, और जिससे व्यथित होकर इन्होंने जो है एक झूठा एक्शन लिया है अगेंस्ट अमित सोनी और उसके एसोसिएट के खिलाफ। तो इस पूरे खेल में अमित सोनी और राजेश जो है कॉन्स्पायर्ड थे ना कि
प्रेजेंट ब्रिटिश सर, और इन्होंने अपने एडवांटेज का एक बेनिफिट लेते हुए और इनके रिलेशनशिप थे विद आईजी साइबर क्राइम उसका फ़ायदा लेते हुए इस प्रेजेंट अफेयर को जो है मैनेज किया है एट साइबर पुलिस स्टेशन। सबसे इम्पोर्टेंट इनका कॉन्टेंशन ये था कि जो कंसर्न पार्टीज हैं ये इंदौर को जो है बिलोंग करती है और सभी ट्रांजेक्शन जो है इंदौर में हुए हैं और इंदौर में जो है एक साइबर स्टेशन था, इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन को जो है डेबिट किया गया और बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन जाके कार्रवाइयाँ जो है इनिशिएट कराएगी। रेस्पोंडेंट जो है से जब इस बारे में क्वेरी की गई कि जब तुम लोग इंदौर में रहते हो, डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन इंदौर में हुआ है, तो तुम लोग भोपाल में कैसे आ गए, तो उस पर कोई भी उत्तर जो है ये लोग नहीं दे पाए। तो एक बात आप समझ लीजिए कि सेक्शन 177 सीआरपीसी के लाइट में यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन को जो है चैलेंज किया गया कि जहाँ पर क्राइम हुआ है उसके संबंधित क्षेत्राधिकार में कार्रवाई करनी है। तो ज्यूरिडिक्शन को ओवरस्टेपिंग करना अपने आप में इंडिकेट करता है कि देर इज समथिंग मैलिस बायसनेस और आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोसीडिंग, और ये भी इंडिकेट करता है कि मिसयूज हुआ है ऑफ द पावर बाय द कंसर्न ऑफिशियल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया गया, इवन 41A सीआरपीसी का नोटिस भी जो है नहीं दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको भी जो है आप नोट कीजिए, जो कि देना चाहिए था इन द ड्यू प्रोसेस एट द इंसेप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने स्वप्निल भट्ट को जो है पिकडअप किया भोपाल से, पिटिशनर जो अनुराग था, विजय था, राकेश था, करीबन 30 सितंबर को उनके घर से जो है इनको टेकअप किया गया और इनको डिटेन किया गया इलीगल कस्टडी में 72 घंटे से ज़्यादा समय के लिए। इनको जो है टॉर्चर किया गया फिजिकली और मेंटली, जो कि क्लियर है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अशोक जो कि ईडीजे साइबर क्राइम है भोपाल में। और इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट जो है ये भी इस बात को जो है कन्फर्म करती है। इसके अलावा सेंट्रल जेल भोपाल में तो कन्फर्म करती है कि मल्टीपल इंजरीज जो है देखी गई ऑन द बॉडीज ऑफ द कंसर्न अक्यूज पर्सन, जिस कारण एट्रोसिटी को जो है कंक्लूड कर सकते हैं ये कोर्ट ने लिखा। और ऑन द टाइम कंप्लेनेंट जो थे ये प्रेजेंट थे विद द पुलिस, और ये जो है कन्फर्म होता है बाय द स्टेटमेंट ऑफ द वेरियस पुलिस ऑफिशियल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। तो मामले में जल्दबाजी से कार्रवाई करना, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना, परिपति का प्रेजेंट रहना, लंबे टाइम तक इनलील कस्टडी में रखना और इनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना, और साइन और मार्क ऑफ इंजरी और एट्रोसिटी अपने आप ही जो है इन चीज़ों को कन्फर्म जो है कर देती है। जब इन्होंने वॉइस जो है रेज करी तो उस सिनेरियो में कार्रवाई को जल्दबाजी में करते हुए चार्जशीट को जो है पेश किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब पिटिशनर ने वॉइस रेज करी अगेंस्ट इलीगल एक्शन ऑफ पुलिस टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजे साइबर एंड हाईटेक क्राइम्स भोपाल, तो उन्होंने मैटर में जो है इंक्वायर किया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लिए टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, विदड्रॉ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम हिज ओन सबॉर्डिनेट और हैंड ओवर करा इन्वेस्टिगेशन टू सीआईडी जस्ट विद इन 4 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये किस तरह से इस केस को जो है मेड आउट किया गया है। सबसे बड़ा बात है ही फर्दर वेंट टू द एक्सटेंट दैट ही डिपोज्ड ऑन ओथ बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अबाउट द इनरेगुलरिटीज एंड इनलीगल एक्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट इन द इंक्वायरी ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द पिटिशनर अमित सोनी। तो जो अमित सोनी कंप्लेंट थी इस पर जब इंक्वायरीज हुई तो उसने माना कि उसके सबॉर्डिनेट जो है गलती करी है और इस बात को ऑन ओथ भी जो है डिपोज किया गया बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके स्टेटमेंट जो है 16 जुलाई 2018 को जो है रिकॉर्ड किए गए बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट। इन इज स्टेटमेंट डेटेड 16 जुलाई 2018 जो कि रिकॉर्ड किए गए बाय द कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल, एडीजी साइबर क्राइम जो थे इन्होंने इन्फॉर्म किया कि 31 अक्टूबर 2013 को ही इस बात की सूचना आईजी अनिल गुप्ता को दे दी गई थी कि जो पिटिशनर्स हैं जिनके नाम है स्वप्निल, राकेश और अनुराग, ये उनकी कस्टडी में थे। और 1/11/2013 को समय करीबन 5 बजे पुलिस ऑफिशियल्स ने और कंप्लेनेंट ने जो कंसर्न पिटिशनर्स हैं उसको फिजिकल टॉर्चर किया, और जब इस बारे में इंक्वायरी होल्ड की गई तो एलिगेशंस जो है सही पाए गए। और साथियों का ये भी कहना कि 1/11/2013 को करीबन 5 बजे के आसपास पुलिस ने और परिवादी ने मिला भक्ति करते हुए जो कंसर्न पिटिशनर से उनको ह्यूमिलेट किया और फर्दर उनका इलीगल अरेस्ट भी जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। ये कॉन्टेंशन थे। उनका ये भी आर्गूमेंट है कि जो एट्रोसिटीज़ हैं जिसमें एलिगेशन हमारा है इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, जिस पर शिकायत भी की गई, तो मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जो है इनिशिएट कर दी। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो एट्रोसिटीज़ हुई और इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुए जिसको लेकर हमने मध्य प्रदेश सरकार को जो है पत्र लिखे, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, तो एमपी सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंटल एक्शन भी जो है इनिशिएट किया अगेंस्ट साइबर टीम। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों कि अगर जब भी आपके साथ जो है जास्ती हो रही हो तो आप होम मिनिस्ट्री को जो है ज़रूर लिख दें, और अगर जास्ती जो है कन्फर्म हो रही है बाय द डिपार्टमेंट तो उस स्टेरियो के खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट होगी, तो आपको एक आधार बन जाएगा कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनलीगल कॉन्डक्ट की गई थी। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट डीवाईएसपी दीपक ठाकुर और हेड कॉन्स्टेबल जो थे ऑलरेडी फेस कर रहे थे ट्रायल इन अ सिमिलर केस पर्टेनिंग टू साइबर पुलिस भोपाल, वेयर इन
दीपक ठाकुर, हु वॉज देन पोस्टेड एट साइबर पुलिस भोपाल, इनिशिएटेड अ सिमिलर केस अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी विद सेक्शन 66A 66D ऑफ द आईटी एक्ट ऑन टू वुमेन वर नॉट ओनली अरेस्टेड इन अ इलीगल मैनर बट ऑल्सो कॉन्ट्रोवेंट ऑल द प्रोविजन लेड डाउन ऑफ लॉ एंड ऑल्सो वॉयलेटेड द लीडिंग जजमेंट रेंडर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट एंड फर्दर डिमांडेड ब्राइब फ्रॉम देम। एग्रीड पर्सन ने जो है इनके खिलाफ FIR जो है दर्ज कराई। यहाँ पर जो एग्रीड विक्टिम थे किस केस में, जो केस इन लोगों ने इनिशिएट किया था, दूसरा केस है, उसमें उन्होंने पिटीशन जो है फाइल करी थी क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्च कर दिया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नेम्ड एज रिनी जौहर वर्सेज स्टेट ऑफ MP, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जो है इनिशिएट की गई और कंपनसेशन के जो है ऑर्डर भी यहाँ पर किए गए। यहाँ पर जो एग्रीड पर्सन थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इस पर जजमेंट भी जो है प्रोनाउंस हुआ, जिसका नाम था रिनी जौहर वर्सेज स्टेट ऑफ MP, जिसमें ना केवल FIR क्वेश्च की गई अपितु डिपार्टमेंटल एक्शन करते हुए कंपनसेशन के ऑर्डर भी जो है किए गए थे। उनका ये भी एलिगेशन है कि जो कंप्लेंट है ये फेक है, क्योंकि जो भी एलिगेशंस है वो कॉन्कॉक्टेड है, बिकॉज सभी कंप्लेंट में कॉमन एलिगेशंस है कि ऑल द मनी पेड टू अमित सोनी। साथियों का ये भी तर्क है कि जो कंप्लेंट्स है वो फेक है, क्योंकि सारी कंप्लेंट्स में एक ही एलिगेशन है कि जो मनी पेड है वो है टू द अमित सोनी, जबकि पूरी स्टेटमेंट में जो है अलग तरह के अक्यूज के नाम जो है निकल के आते हैं। इसके अलावा जो सीजर हुआ हार्ड डिस्क का, मोबाइल फ़ोन का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स का, उसमें कोई भी डाटा रिवील नहीं हुआ है जो कनेक्ट करता हो अक्यूज पर्सन को विद द क्राइम। तो एलिगेशन जो है टोटली कॉन्कॉक्टेड है। सबसे इम्पोर्टेंट तर्क ये रखा गया कि जो कोर ऑफ द कंप्लेंट है, मतलब सार जो है वो ये है कि जो पिटिशनर है ये रन कर रहे थे पैरेलल एक्सचेंज थ्रू मेटा ट्रेड 5, और जो कंप्लेंट है उन्होंने ट्रेड में जो है इन्वेस्ट किया और इनको लॉस हो गया, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्लेम करती है कि जो सीज डाटा है ऑफ ऑल द ट्रेड डिटेल्ड ऑफ द बिजनेस। साथियों यहाँ पर प्राइम जो एलिगेशन है वो क्या है कि जो पिटिशनर है वो रन कर रहे थे पैरेलल एक्सचेंज को थ्रू मेटा ट्रेड 5, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी डाटा रिकवर हुए उनमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई नहीं दिया कंप्लेनेंट का। अगर उनके एलिगेशंस ट्रू मान भी लिए जाएँ तो उनके नाम डाटा में अपीयर होने थे उन डाटास में जिस पर एलिगेशंस थे, जो कि कंसर्न थे विद मेटा ट्रेड 5, पर ऐसा कोई भी एक्सचेंज जो है उन सर्वर पर नहीं पाया गया जो इनसे जो है संबंधित हो। इसके अलावा इनका कहना है कि इन्होंने प्रॉफिट भी जो है अर्न किया, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देर इज़ नो डॉक्यूमेंट टू प्रूव दिस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सेबी द नोडल एजेंसी टू प्रोसिक्यूट सच क्राइम डिड नॉट इनिशिएट एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग सच इनलीगलिटीज। अगर एलिज प्रॉफिट अर्न किया भी गया है बाय यूजिंग डमी सॉफ्टवेयर, बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है ऑफ द कंसर्न पिटीशन अक्यूज नंबर 7। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इन्होंने इंटीमेशन दिया इनकम टैक्स को, उसने भी जो है कोई इनलीगलिटीज नहीं मानी, कोई भी इनलीगलिटीज जो है नहीं मानी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेनल्टीज जो थी GST को लेकर उसको भी जो है क्वैश कर दिया गया बाय CGST सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंदौर के द्वारा, और मैटर को जो है रिमांड बैक किया गया फॉर द रिकंसिडरेशन। तो जब कुछ एविडेंस है ही नहीं तो ऑन मियर अजम्पशन एंड प्रिजम्पशंस द चार्जेस कुड नॉट बी फ्रेम्ड एंड द अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई करेंटिक एविडेंस जो है दिखाई देती नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक लेटर है 15/11/23 का जो कि इशू किया है बाय DYSP दीपक ठाकुर ने, वो स्टेट करता है कि आफ्टर असेसिंग द सर्वर ऑफ राकेश बत्रा ही हैज़ डाउनलोडेड द डाटा ऑफ द सर्वर ऑन द डेस्कटॉप, और कॉपीड किया उन्होंने DVD में, और उसके बाद सर्वर को जो है सीज कर लिया गया, बट जो फैक्ट है कॉपी ऑफ डाटा ऑन DVD और सीजर ऑफ DVD जो है मेंशन नहीं हुआ पंचनामे के अंदर। इवन जो रिपोर्ट सीजर की है और पंचनामे की है वो कम्प्लीटली जो है डिवॉइड है कि एफिशिएंट कंप्लाइंस जो है की गई या नहीं की गई रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड विद द सीजर मेमोस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिवाइसेस के नेम थे और जो उनकी प्रॉपर क्रेडेंशियल्स थे उन तक को जो है नोट नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कनेक्टिंग एविडेंस थी फाइल पर वो मिसमैच हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि डिटेल्स जो थे सर्वर के जो सीज्ड हुए बट नॉट मैचिंग विद द सर्वर जिनके थ्रू जो है क्राइम एलिस्ट है। इसके अलावा जो इनवॉइस जो है रेज्ड हुए बाय साइबर फ्यूचरिस्टिक्स, इट वॉज मैंशनड दैट सर्वर हैज़ 2 हार्ड ड्राइव्स ऑफ 1 TB, जबकि जो पंचनामा है और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें 3 जो है हार्ड ड्राइव दिखाई रहती है। दिस शोज दैट कि 1 DVD को जो है प्लान आउट किया गया, और ये DVD जो है सेंड जब हुई थी एनालिसिस के लिए और जो कंसर्न फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन है उसका भी जो है एनालिसिस में आया, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं हुआ कि 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की कंप्लाइंस हुई या नहीं हुई, इसका सर्टिफिकेट जारी किया गया या नहीं किया गया। तो कुल मिला के इन स्थितियों में जो LSDVD है और जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो डाउटफुल है, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एविडेंस जो है कनेक्ट नहीं करता है अक्यूज को विद द क्राइम। अगर प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाते हैं इट वुड बी अ फ्यूटल एक्सरसाइज। उनका ये भी एलिगेशन है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैव नॉट आइडेंटिफाइड द IP एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस विच कैन प्रूव द सेट डाटा
वॉज क्रिएटेड और एक्सेस्ड बाय द पिटिशनर। जब तक कोई मटेरियल फाइल पर नहीं है तो अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा इनका कहना कि सीआईडी जो है कंपिटेंट नहीं थी चार्जशीट के लिए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ने ये मैटर जो है रिकमेंड कर दिया सीबीआई को, जल्दबाजी में इन्होंने जो है चार्जशीट पेश कर दी। तो जब अथॉरिटी कंपिटेंट नहीं है तो चार्जशीट भी अपने आप में अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उनका यह कहना है कि एंटायर एलिगेशन को जो है रद्द मानते हुए एफआईआर को जो है क्वेश्चन किया जाए। इसका अपोज जो है सीबीआई ने करा। कोर्ट ने मामले की जो है गंभीरता को देखा, कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस को देखा, फैक्चुअल प्रस्पेक्टिव को देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चंस का बेसिस है वो है कि एलिगेशंस जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड हों और उनके आधार पर केस को चलाते हैं तो देन इट वुड बी अ फ्यूटल एक्सरसाइज। नंबर थ्री, इट शुड बी एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, सीबीआई भी जो है यहाँ पर अपील हुई, उनका कहना यह है कि जो एंटायर हमारा वर्कआउट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ सीएफएसएल एंड ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, वो था एफएमसी, और एक्सपर्ट ओपिनियन जो है रिलेवेंट है सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो रिपोर्ट है सीएफएसएल की जो कि है 24/1/2014 की, वो स्टेट करती है कि मेटा ट्रेड 5 सॉफ्टवेयर जो है लोड हुआ था ऑन सर्वर ऑफ मैसर्स साइबर फ्यूचरिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएमसी ओपिनियन करती है कि डब्बा ट्रेडिंग जो है इफेक्टेड हुई बाय मनी हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन में बिसाइड द ऑथोराइज ट्रेडिंग मनी हाउस ने जो है इनलीगल ट्रेडिंग्स करी या डब्बा ट्रेडिंग करी और रन किया मनी लाइक एक्सचेंज। मनी हाउस जो है यूज़ करता डिफरेंट सर्वर्स इनलीगल ट्रांजेक्शन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइनर डिफरेंसेस को अगर हम छोड़ दें, जो कॉम्पिटिटिज है और जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड हुए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द एमसीएक्स बाय द मनी हाउस जिसके लिए ये ऑथराइज नहीं था, कुल मिला के प्लेटफॉर्म्स का जो है यहाँ पर मिसयूज़ किया गया और जिसके लिए ये सब लोग जो है वो कॉन्सपर्ट थे। साथियों का कहना है कि जो ओपिनियन है एक्सपर्ट ऑफ एफएमसी की, वो स्टेट करती कि जो भी ट्रेडिंग्स हुई है वो अनऑथराइज रूप में जो है परफॉर्म की गई है। और इसके अलावा जो बेसिक प्रोविजन है एफसीआरए के, उसको भी जो है वॉलेट यहाँ पर किया गया है। तो इन लोगों ने गंभीर प्रकृति का जो है ऑफेंस कमिट किया है। और इसके अलावा सीबीआई ने भी जो है इस बात को स्टैंड किया। कोर्ट ने वापस से जो है यहाँ पर कंसीडर करा राइवल कॉन्टेंशंस को, जो कोर्ट का स्कोप है उसको डिस्कस किया कि कब एफआईआर क्वेश्चन करनी है कब नहीं करनी। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैटर अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और एलिगेशन स्टैंड नहीं कर रहे हैं, इवन प्रीमियर केस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एफआईआर क्वेश्चन कर देनी चाहिए। डिफरेंट हाई कोर्ट्स की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस है ये, पर जो बेसिक गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करते हैं आज तक, जो कि लेट डाउन हुई है बजेदाल केस के अंदर। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने जो है एग्जामिन करा एविडेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिगेशंस तो हैं पर करेंटिक एविडेंस फाइल पर नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जब तक करेंटिक एविडेंस जो है रियली इंडिकेट नहीं करती है व्हाट क्राइम दे हैव कमिटेड, तो वहाँ पर किसी भी रूप में ये नहीं मान सकते बाय द वे ऑफ अजम्पशन कि दे आर द रियल कल्प्रेट इन्वॉल्व इन द सेट एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है कि इन कॉलिजन विद ईच अदर, जो कंसर्न अक्यूज पर्सन से इन्होंने अनऑथराइज वे में सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कंडक्ट करा ट्रेडिंग्स को जो कि पैरेलल थी टू द एमसीएक्स, और इसका एक पीरियड जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और इस एक्टिविटी को करते हुए इन लोगों ने इनलीगल ट्रेडिंग्स करते हुए लाभ जो है अर्जिंग करा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एलिगेशन जो है टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये कहानी बनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एलिगेशन यहाँ पर रेस्पॉन्डेंट्स के हैं उसके सस्टेनिंग एविडेंस जो है फाइल पर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वेरी फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं इस केस के वो भी मिसिंग है। इवन सीआईडी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, पुलिस ने कर लिया, सीबीआई ने कर लिया, बट सारी बातें जो है स्विंग कर रही है एयर में, बट इसका कोई भी उत्तर नहीं है कि किस तरह से एलिगेशन जो है स्टैंड करते हैं। वैसे कि जो सीएफएसएल की रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है कि मेटा ट्रेड 5 सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल किया गया कुछ डिवाइस पे, और जो ओपिनियन है एक्सपर्ट ऑफ एमसीएक्स टू द इफेक्ट दैट कि इनलीगल डब्बा ट्रेडिंग्स जो है यहाँ पर डन की गई है बाय द कंसर्न पिटिशनर अक्यूज बाय यूजिंग MT5 सॉफ्टवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रिपोर्ट एंड ओपिनियन आर बेस्ड ऑन डाटा रिट्रीव फ्रॉम सर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डाटा जो है रिसीव हुआ है फ्रॉम द प्रमाइसिस ऑफ ए कंपनी नेम इज साइबर फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, पर देर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट कि मनी हाउस या पिटिशनर का इस सर्वर से जो कि कनेक्शन हो। जब तक कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पर नहीं है तो हम अजम्पशंस के बेसिस पर पिटिशनर को जो है गिल्टी होल्ड नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है कि पिटिशनर ने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए फायदा कमाया, पर इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि जो उसका ऑनर है या डेवलपर है वो है मेटा क्वेड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर जो है सोल्ड आउट ही नहीं करा टू द कंसर्न पिटिशनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी दिखाई दी कि जो विन ट्रेड कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं मनीष, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर किसी को बेचा ही नहीं, और जो कंसर्न MT5 सॉफ्टवेयर है उसका जो ऑनर है वो है विन ट्रेड कंपनी। तो कुल मिला के जो कनेक्शंस हैं वो टोटली यहाँ मिसिंग हो रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जानते नहीं अमित सोनी कौन है और हमारे कोई बिजनेस रिलेशनशिप जो है अमित सोनी से नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो ये मालूम पड़ा
कि जो कंसर्ट कंपनी है साइबर फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, उसका सर्वर जो है लीज पे लिया गया, जिसके लिए अमाउंट भी जो है पे किया गया, बट ये डील जो थी वो थी स्कैडल सर्विसेज से, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। तो प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करा कि स्कैडल का कोई कनेक्शन जो है पिटिशनर इस कंपनी से हो। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई रिलेशनशिप आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो एक ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप किसी भी रूप में पिटिशनर को उस क्राइम से जो है कनेक्ट नहीं कर सकते हो। कुल मिला के जो कंप्लेंट है उसमें वो कहता है कि उन्होंने हैंडसेट दिया था, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, प्रॉफिट्स कमाया, बट इनका डाटा जो है किसी भी रूप में ऐसी स्थिति को रिवील नहीं कर पाया कि उन डिवाइस का या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कोई क्राइम जो है वो कमिट हुआ है। कुल मिला के जो रिपोर्ट थी CFSL की, जो रिपोर्ट थी MCX की एक्सपर्ट की, और जो अदर रिपोर्ट्स फाइल पर अवेलेबल थी, वो किसी भी रूप में एविडेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज पर्सन कि किसी डिवाइस को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो है फ़ायदा कमाया गया। जब कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है, वी कुड नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद अ पर्सन क्राइम, तो कुल मिला के 400 बेसी हुई हो या कोई फॉर्जरी हुई है, साइबर क्राइम किया गया हो या फैब्रिकेशन हो, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे एलिगेशन जो है ये स्विंग इन द एयर है। तो कोर्ट ने इस स्टेरियो को देखते हुए यहाँ पर जो एलिगेशन है उनको रद्द करते हुए FIR को जो है क्वेश्चन करने का ऑर्डर जो है पारित किए। तो साथियों, आज की वीडियो से हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी साइबर क्राइम के एलिगेशन हैं या इलीगल ट्रेडिंग के एलिगेशन हैं, सेबी गाइडलाइंस के वॉलेशन के एलिगेशन हैं, तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले ये साबित करना है कि केस डायरेक्ट एविडेंस पर बेस्ड है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है। अगर डायरेक्ट एविडेंस पर बेस्ड नहीं है तो सर्कमस्टेंसेस क्या है वो देखनी पड़ेगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामले में कनेक्टिंग चेन होनी चाहिए। अगर कनेक्टिंग चेन नहीं है, अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अजम्पशंस के बेसिस पर उन्हें कनेक्ट करके ये नहीं मान सकते कि दे आर टोटली इंडल्ज इन द क्राइम। तो कुल मिला के इस केस में भी ऐसे हुआ कि एलिगेशंस थे बट वो कनेक्टिंग नहीं थे। जहां भी चेन ब्रेक हो रही थी उसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल रहा था। तो साथियों, भले इस मामले में जाँच करी पुलिस ने, CID ने, CBI ने, पर उसके बाद भी जो है एलिगेशंस को स्टैंड नहीं कर पाए। तो साथियों, कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको राइट्स को लेकर। तो अगर आप साइबर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप पे एलिगेशन है कि आपने लोगों को ठगा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठगा कैसे, ठगा किस माध्यम से, और ठगने के लिए क्या क्या एफर्ट्स है, ठगने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, और कैसे वो कनेक्ट करते हैं। जब तक वो एलिगेशन फाइल पे नहीं है तब तक किसी रूप में प्रोसिक्यूशन एलिगेशन को स्टैंड करते हुए आपका अनवारंटेड प्रोसिक्यूशन नहीं करवा सकती है। अगर आपको वो हैरेस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट, यू आर हैविंग द ऑप्शन टू मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। इसके अलावा CCI रूल्स के तहत भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करवाइए, और जहां तक हो सके तो सेक्शन 166 IPC का उपयोग कीजिए। आपके अपने अधिकार है, कोई आपको नहीं बताएगा। अगर ये लोग आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जेलों में डालेंगे, तो आपके अपने अधिकार अफेक्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के जाग जाओ मेरे भाई, अगर अपराध नहीं करा है, मियर सिविल डिस्प्यूट है, तो भजन लॉ का जो बेसिक लॉ है उसकी लाइट में क्वेश्चन भी आप मूव करो। आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहो। आप जब भी FIR की क्वेश्चनिंग पर जा रहे हो, उससे पहले ज्ञापन एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है पुलिस को सौंप दो, या CID को सौंप दो, या CBI को सौंप दो। ये स्पेसिफिक कर दो कि एलिगेशंस आर कॉन्कॉक्टेड, देयर इज नो कनेक्टिंग एविडेंस, एंड वी आर टोटली गोइंग टू बी हैरेस, वी आर टोटली गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट फॉल्स केस। अगर ऐसी स्थिति आप लेके आते हो, डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।